हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम का जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की। बाइनोमियल थ्योरम में हम जो टर्म्स फाइंड करते हैं वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करें। अगर हमें एक एक्सप्रेशन ऐसे दे रखा है, दूसरा एक्सप्रेशन ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। एक्स ये तो हमारा अलग से मैं शॉर्ट ट्रिक लिख रखा हूँ, ट्रिक है ये, ठीक है ना, इसको यूज करने का। लेकिन देखो, अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए एक्स प्लस ए की पावर एन और x प्लस एक्स माइनस ए की पावर n, कोई भी एक्सप्रेशन है x, ये दोनों सेम होंगे, बस यहाँ माइनस लगा होगा ये, और आपकी जो इंडेक्स है, यानी ये क्या, इंडेक्स का मतलब पावर, जो भी पावर है क्या होगी, सेम होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब प्लस प्लस और माइनस हो, यहाँ ध्यान देना क्या हो, प्लस प्लस और तब जाके माइनस आए, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्या निकाल रहे हैं हम, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या निकालेंगे, n by 2, n क्या है हमारा जो टर्म होगी ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, क्लियर है ना। अगर हमें ऐसे दे रखा है क्या, प्लस माइनस माइनस, क्लियर है ना, x प्लस a वही सेम चीज है, इंडेक्स हमारा सेम रहेगा, बस क्या आ जाए, यहां माइनस आ जाए, ये भी माइनस हो, तब हम टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या निकालेंगे, n by 2, जो नंबर ऑफ टर्म दे रखी होगी हमें दोनों की, उसमें क्या कर देंगे, n का डिवाइड कर देंगे 2 से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से कर सकते हो। दूसरी बुक में कुछ दूसरी तरीके से दे रखा है, आप बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे, आपका आंसर जो होगा वही सेम आएगा। जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने उसमें से लिखा है सेल्फ स्कोर मेटनेस से। अब सेल्फ स्कोरर का ये क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर जो दे रखा है उसने दूसरी तरीके से दे रखा है, हम इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या पूछा है हमें, पहली चीज हम क्वेश्चन को पढ़ते समय देख लेंगे कि हमें पूछा क्या गया है। अगर आप इसी चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन पूरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो देख लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हमें एक्सपेंशन दे रखा है। आप देखो x सेम है, ये हमारा सेम है, ये क्या है, प्लस प्लस और माइनस, क्या है, प्लस प्लस और माइनस, हमें कौन सी ट्रिक लगानी है, ये वाली n by 2 प्लस 1, क्लियर है। क्या हो जाएगा, इंडेक्स भी हमारा सेम है, यानी हमारी पावर भी सेम है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, मतलब पूछा उसने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारा आंसर क्या आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर टोटल नंबर टर्म पूछा है, सिंप्लीफाई बुक्स में दे रखा है, हमें नहीं करना, सिंपल हमें ये वाला ट्रिक लगा देनी है, क्या है, n by 2 plus 1, n क्या दे रखी है हमें 100, तो 100 divided by 2 plus 1 कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा 50, तो क्या हो जाएगा, 50 plus 1 यानी कितना, 51, समझ गए ना, 51 टर्म कौन सी हमारी, ये बी। तो आप आंसर कौन सा कर दोगे, बी पे ऑप्शन पे टिक कर दोगे, आप सीधे सीधे गोला भर दोगे, ठीक है, ये इजी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन अगर इसके थ्रू कोई भी ले लेता हूँ, कोई भी क्वेश्चन, देखो मैं अलग से ऐसे बना लेता हूँ और बस यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी चेंज कर देता हूँ, मतलब अगर दे रखा है मुझे 3 - x, ठीक है ना, क्या है पावर में, मैं दे देता हूँ 100, यहाँ मैं क्या कर देता हूँ 3 + x, और इस जगह पर मैं क्या कर दूँ प्लस, यहाँ पर माइनस रख लेता हूँ क्वेश्चन में, और क्या हो जाएगा आपका 2x - 3, ठीक है ना। अगर ऐसे ही मैं 100 रखता हूँ, देखो प्लस माइनस माइनस, बस हम इनको देखेंगे, सिंपल अगर हमें टोटल नंबर टर्म देख रखा है, टोटल नंबर टर्म पूछा है, तो हम इनको चेक करेंगे, तुम्हारी ये टर्म क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होता, 100 divided by 2, तो आंसर क्या आ जाता हमारा 50, इस केस में हमारा क्या होता आंसर, 50 आंसर होता। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट फाइंड कीजिए, टोटल टर्म पूछी है तो आपको पूरी सिंप्लीफिकेशन में नहीं जाना, शॉर्टकट लगाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर बहुत नीचे हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, थैंक यू।